आवर यूट्यूब चैनल. आज इस मैटर अराउंड अस प्योर का 6th लेक्चर है. आई थिंक ये 6th ही है. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोलाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, एक बेसिक ओवरव्यू की क्या कोलाइड्स होते हैं, क्या वो लाइट स्कैटर करते हैं, कैसे उनके पार्टिकल्स होते हैं, क्या हम उसे सेपरेट कर सकते हैं एंड ऑल दैट. आज के लेक्चर में हम लोग कोलाइड्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोलाइड की फेजेस से. ठीक है. तो देखो, हमारे पास जो कोलाइड होता है उसकी दो फेजेस होती हैं. ठीक है. पहली फेज होती है डिस्पर्स फेज और दूसरी होती है डिस्पर्जन मीडियम. ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सो हमारा जो कोलाइड है उसकी कितनी फेज होती है? टू फेजेस होती है. ठीक है. सबसे पहले होती है आपकी डिस्पर्स फेज. ठीक है. और दूसरी चीज क्या होती है? डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है. आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं. अब मुझे एक बात बताइए, किस किस को पता है कि डिस्पर्स क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है, अगर किसी को पता है तो आपको क्या करना है? आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है कि डिस्पर्स फेज क्या होती है. और जिसको नहीं पता वो मैं भी बताने वाली हूँ, तो समझ लेना ध्यान से. देखो, जितने भी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स आपके कोलाइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज बोलते हैं. यानी कि द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डायमेंशन इज कॉल्ड डिस्पर्जन फेज. सो फटाफट से डेफिनेशन नोट कर लीजिए. द कंपोनेंट प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन ठीक है, प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन. The medium in which colloidal particles are dispersed. ठीक है. आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी. ठीक है. अब देखो, अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. यानी कि हम कोलाइड्स को किन किन क्लासिफिकेशन में यानी किन किन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. सो देखो, जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, कोलाइडल मिक्सचर होता है, उसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. किसके बेसिस पे? हमारी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम के बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस या फिर कोलाइड्स के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है. अब सबसे पहले एक बेसिक सा डेफिनेशन टाइप्स हम लिख लेते हैं, फिर किस कैटेगरी में हम लोग हमारे कोलाइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे या फिर क्लासिफाई कर लेंगे, वो चीज लिख लेते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सबसे पहले क्या? नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज नंबर वन,
नेचर ऑफ डिस्पर्स फेस एंड नंबर टू इज व्हाट? डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है. वो क्या कि जो आपका कोलाइड है वो आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बेसिस पे क्लासिफाई होता है. अब इस बेसिस पे हम लोग हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइड होता है उसे हम लोग 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, 8 कैटेगरीज में से नाम तो आपके पास वैसे 4 या 5 ही होते हैं, बट उनकी अलग अलग कंडीशन होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, आपके टेबल बना लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड सब्सटेंस और कोलाइडल टाइप्स के बारे में. आई होप आप लोगों ने टेबल बना ली होगी. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम, तो हम यहाँ पे कौन से मीडियम को लेंगे, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, तो हम इन्हीं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम हमारा सपोज गैस. ठीक है, हम क्या चीज मिलाने वाले हैं गैस में, सपोज हम लोग लिक्विड मिला रहे हैं, तो इन दो कंडीशंस में आपके पास जो टाइप ऑफ कोलाइड निकल के आता है वो होता है आपका एरिसोल. ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई. अब देखो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉग, यानी कि धुंध जो आपकी सर्दियों में पड़ती है, फॉग. दूसरा जो होगा आपका गैस में, जब आप लिक्विड गैस और सॉलिड वाला देखेंगे, ठीक है, गैस प्लस सॉलिड, इसे भी आप लोग एरिसोल ही बोलते हो. ठीक है, अब देखिए, एक मिनट, ये ऊपर वाली स्पेलिंग गलत हो गई. ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्मोक. नाम भले ही सेम है बट आपका डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस अलग अलग है, प्लस उसके एग्जाम्पल्स भी अलग अलग हैं. नेक्स्ट जो होगा, सपोज आपका डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड है, ठीक है, और जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है वो गैस है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलते हो उसे, फोम. अब फोम का एग्जाम्पल आप फटाफट से बता दीजिए मुझे. व्हिपिंग क्रीम होती है जो आप केक के ऊपर लगाते हो ना, उसे व्हिपिंग क्रीम बोलते हैं. सो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका व्हिप्ड क्रीम. ठीक है, नेक्स्ट चीज आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे लिक्विड और लिक्विड वाला, लिक्विड और लिक्विड. इस वाले टाइप ऑफ आपके कोलाइड को क्या बोलते हैं हम, इमल्शन. अब लिक्विड और लिक्विड का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो क्या होगा आपका, मिल्क हो सकता है, मिल्क, बिल्कुल. ठीक है, नेक्स्ट विल बी लिक्विड और सॉलिड. ऐसी कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हो, सोल बोलते हो. क्या बोलते हो, सोल, SOL, सोल. लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फटाफट से सोचिए, पेंट होता है. ठीक है, पेंट होता है, क्ले होता है. ठीक है, बट टेबल को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट चीज विल बी सॉलिड और गैस. ठीक है, मतलब आपने सॉलिड आपका मीडियम है और गैस आपका फेज है. इस टाइम पे जो निकल के आता है वो होता है आपका सॉलिड फॉर्म. देखो गैस और लिक्विड का क्या बनता है, फॉर्म. सॉलिड और गैस का क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म.
ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं जरा सोचिए। बहुत लोगों ने सुना होगा मार्शमेलो, खाए भी होंगे बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल होता है मार्शमेलो। मार्शमेलो नेक्स्ट विल बी सॉलिड और लिक्विड, देख लेते हैं, दिख रहा है ना, सॉलिड और लिक्विड। इस कंडीशन में, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड इमल्शन, सॉलिड इमल्शन। एग्जाम्पल्स क्या होंगे सॉलिड और लिक्विड वाले, बटर, बटर, चीज, ये सारी चीज, ठीक है, बटर। लास्ट होता है आपका सॉलिड और सॉलिड, जिसे हम लोग सॉलिड सोल बोलते हैं, सॉलिड में सॉलिड क्या निकल के आता है, सॉलिड सोल। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, जल्दी बताइए, ग्लास, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्लास, ठीक है। जितने भी जेम्स होते हैं, रूबी होते हैं, वो सारी चीजें आती हैं इसमें। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, जब डिस्पोजन मीडियम गैस होता है और डिस्पोज फेज लिक्विड होता है तो उसे एरोसोल बोलते हैं। अगर डिस्पोजन मीडियम गैस है और डिस्पोज फेज सॉलिड है तो भी उसे एरोसोल ही बोलते हैं। दोनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग होंगे। लिक्विड और गैस को हम लोग फोम बोलते हैं, लिक्विड और लिक्विड को इमल्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड सॉलिड कॉम्सोल बोलते हैं, लिक्विड गैस को सॉलिड फोम बोला जाता है, लिक्विड और सॉरी सॉलिड लिक्विड को सॉलिड इमल्शन बोला जाता है, और सॉलिड सॉलिड को सॉलिड सोल बोला जाता है। आप लोग को ये चीजें हमेशा ध्यान रखें, याद कर लीजिएगा इस पूरी टेबल को एज इट इज। हो सकता है तो एक दो एग्जाम्पल्स आप एक्स्ट्रा लर्न कर लेना, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या करना है आपको, फटाफट से नोट कर लीजिए, कर लिया नोट, इरेज कर रही हूं मैं। अब टिंडल इफेक्ट, अब आप बोलोगे मैम ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पड़ी थी ना, उसी फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें आपका जो लाइट है उसका पाथ इजिली दिख जाता है। इसका एग्जाम्पल आप सपोज इसे समझिए, आपके पास एक रूम है, ठीक है, उसमें आपने एक छोटा सा होल कर रखा, बाकी कहीं से कोई भी लाइट का सोर्स नहीं आ रहा है। जैसे ही सूरज उगता है उस होल से जो लाइट अंदर आती है, तो यू कैन सी उस लाइट का पूरा पाथ कैसे, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें इजिली विजिबल करा देते हैं उस लाइट को, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। सो डेफिनेशन क्या होगी, द फिनोमिना ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, आपको वो पाथ लाइट का दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, द फिनोमिना बाय विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ड्यू और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग Scattering of light, और ये scattering कौन करवा रहा है, collidal particles by is known as what, Tyndall effect, ठीक है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो,
मैम ने आपको आई थिंक जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैम ने एक डायग्राम बना के समझाया था, तो सेम डायग्राम दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगी, उसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सपोज आपके पास यहाँ पे एक लेंस है, लेंस वन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बिकर है, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या कोलाइट्स को भरा हुआ है। ठीक है, देन मतलब आपके पास एक फ्रेम है जिसके अंदर होल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी एक पार्ट से ही जो आपकी लाइट है वो अंदर जाएगी। जैसे मैंने बताया था डार्क रूम के अंदर एक सर्कल से लाइट अंदर आ रही है, तो सेम वही वाली सिचुएशन। फिर आपके पास यहाँ पे एक और लेंस है जो कि आपका लेंस टू है, एंड देन यू हैव अ स्क्रीन जिससे आप लोग देखने वाले हो वो इफेक्ट। ठीक है, एम और एन आपका स्क्रीन का नंबर है। अब टिंडल इफेक्ट के लिए क्या चाहिए होता है, आपको लाइट चाहिए होती है, यानी कि एक सोर्स ऑफ लाइट होगी आपके पास। सपोज ये आपकी सोर्स ऑफ लाइट है, अब क्या होगा, ये सोर्स ऑफ लाइट डाइवर्ज होगी और जैसे ही आपके मिरर के ऊपर पड़ेगी, सो इट इज गोइंग टू पास, सॉरी लेंस के ऊपर पड़ेगी थ्रू द मिक्सचर जो आपका कोलाइट है। ठीक है, उसके बाद बस इस होल के अंदर जितनी लाइट है वो आपके, ये तो यहाँ पे हो गई ना, टकरा गई, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, बट जो होल से लाइट आएंगी वो आपके इस लेंस के ऊपर पड़ने वाली है। ठीक है, और ये लेंस पे इन लाइट्स को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, एंड यू पीपल कैन सी दिस पार्ट। तो ये है आपका टिंडल इफेक्ट, ज्यादा कुछ नहीं था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट। अभी मैंने जस्ट बताया था कि आपको टिंडल इफेक्ट एक डार्क रूम में जब हल्की सी एक बीम ऑफ लाइट जा रही है तो वहां पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, हमेशा टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, जब भी आपकी लाइट स्कैटर होगी तो आपको उसका पाथ जो है वो विजिबल होगा, जिसे ही हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, फटाफट से एक बार चीजें नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको टिंडल इफेक्ट का। देखो जैसे आपका जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, पर कहीं कहीं से ना जो प्लांट्स की जो लीफ होते हैं उनसे, उन्हें क्रॉस करते हुए, उनसे थोड़ा बहुत इधर उधर से बच के हुए, जो आपकी सनलाइट जब आपके लैंड पे आती है तो उस टाइम आप उस पूरे पाथ देख सकते हो उस लाइट का, वो भी एक एग्जाम्पल होता है आपके टिंडल इफेक्ट का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे, वो है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट। एक बार फटाफट से चीजें नोट कर लीजिए। अब देखिए ब्राउनियन मूवमेंट, आप लोगों को पता होगा कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो एक zigzag मोशन शो करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट अ रेंडम मोशन इन अ zigzag डायरेक्शन। ठीक है, सो द कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग at random in zigzag direction। ठीक है, तो ये जो zigzag direction है या फिर ये zigzag motion है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, Brownian movement। This type of zigzag motion of particles is known as Brownian movement। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब
ये बताओ ये ब्राउनन मूवमेंट दी किसने दी? रॉबर्ट ब्राउन ने दी। ठीक है, गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो गया सॉरी समझ में आ गया होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक zigzag मोशन में मूव करते हैं। ठीक है, सपोज ये आपके पास एक दो पार्टिकल्स हैं, इन्हें यहां तक पहुंचना है तो ये सीधे सीधे नहीं आएंगे, ये ऐसे नहीं आने वाले, नहीं, ये हमेशा ऐसे zigzag करते हुए आएंगे और इसी zigzag मूवमेंट को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज कवर करेंगे और आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हाँ देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, ये भी एक आपका फिनोमिना होता है जिसमें आप लोग पार्टिकल्स की मूवमेंट को मेजर करते हो और फिर देखते हो, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो खुद से नहीं मूव करने वाले हैं, वहां वो मूव करेंगे अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे तब जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की उसे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में काउंट करते हैं। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। Is known as electrophoresis. ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, फटाफट से भाई नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लियो। ठीक है, so that's all for today's lecture. I hope you enjoyed this lecture and if you do so please hit the like button, do share this video with your friends and family. ठीक है, और अब हम मिलते हैं अपने next lecture में, तब तक के लिए stay positive, keep studying hard and do not trouble your parents. Thank you.